हेलो दोस्तों, पिछली हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की तीन बुक्स अभी तक हम लोग देख चुके हैं। ये हमारी लास्ट बुक है कक्षा 7वीं की, विज्ञान। क्या है कक्षा 7वीं के लिए है, ठीक है, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए, कक्षा 6वीं में हमें चार बुक्स पढ़नी थी, वो हम पढ़ चुके हैं पूरी। कक्षा 7वीं में ये लास्ट बुक बची हुई है हमारी। इससे पहले हम लोग तीन बुक्स खत्म कर चुके हैं। उनसे संबंधित आपके जितने भी लेक्चर हैं वो सभी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं, ठीक है। बात करते हैं कक्षा 7वीं की साइंस। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है आपके? इसमें पढ़ेंगे हम लोग, पहला अध्याय होगा हमारा पादपों में पोषण। दूसरे अध्याय में बात करेंगे हम लोग प्राणियों में पोषण। तीसरा अध्याय होगा हमारा रेशों से वस्त्र तक। अध्याय चार होगा ऊष्मा। अध्याय पांच होगा अम्ल, क्षारक और लवण। अध्याय सिक्स होगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अध्याय छह में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और अध्याय सात में मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। अध्याय आठ में हम लोग पढ़ेंगे पवन, तूफान और चक्रवात। अध्याय नौ में पढ़ेंगे मृदा। अध्याय दस में पढ़ेंगे जीवों में श्वसन। अध्याय ग्यारह में जंतुओं और पादपों में परिवहन। अध्याय बारह में पढ़ेंगे पादपों में जनन। अध्याय 13 में पढ़ेंगे गति एवं समय। अध्याय 14 में पढ़ेंगे विद्युत धारा और इसके प्रभाव। अध्याय 15 में देखेंगे प्रकाश। अध्याय 16 में देखेंगे जल एक बहुमूल्य संसाधन है। अध्याय 17 रहेगा हमारा वन, हमारी जीवन रेखा है। और अध्याय 18 देखेंगे, ठीक है, अवशिष्ट जल की कहानी। तो ये होगा आपका 18 चैप्टर होंगे इसमें साइंस में कक्षा 7वीं की, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे खत्म करने के बाद, आपकी कक्षा 6वीं की सभी बुक्स हो गई हैं। सामाजिक पहली बुक थी आपकी कक्षा 6वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भागे। दूसरी बुक थी हमारा अतीत फर्स्ट। तीसरी बुक थी पृथ्वी हमारा आवास। चौथी बुक थी विज्ञान। कक्षा 7वीं में हम लोगों ने पहली बुक पढ़ी थी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग दो। दूसरी बुक थी आपकी हमारा अतीत भाग दो। तीसरी बुक थी हमारा पर्यावरण और ये बुक है आपकी विज्ञान, ठीक है, साइंस। इसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग कक्षा 8वीं की बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है।